Hi there, this is Shweta from EdSecrets International, and today we are going to talk about tenses. Okay, so as you all know that all of our videos regarding present tenses and past tense is already available on our YouTube channel, and if you are new to this channel, quickly subscribe the button and press the notification button so that whenever we upload the video, you could get the notification instantly. So let's move on to our future indefinite. Talk about ki iski pehchan kis tarike se ki jati hai. जब भी किसी हिंदी सेंटेंस के एंड में गा है, गी है और ये है होता है, तो इसका मतलब वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। एंड मैं आपको ये बता दूं कि फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या क्या लगता है। इसमें लगता है विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड विल शैल किसके साथ लगता है? अगर बात ही, शी और इट की हो रही है तो वहां पे विल वर्ड यूज होता है, और अगर बात वी, यू, दे की हो रही है तो वहां पे शैल लगता है। अगर मैं आई की बात करूं तो आई के साथ विल और शैल दोनों लग जाता है। पर एक चीज आपको बता दूं कि आजकल बिकॉज इट्स बीइंग मॉडर्न इंग्लिश, तो विल जो है वो ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है इन सेवन थिंग्स के साथ, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे के साथ इन स्पाइट ऑफ शैल। सो लेट्स मूव ऑन फर्दर। सो जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक ही एग्जाम्पल से चलते हैं, एंड द एग्जाम्पल है मोहन खाना खाएगा। सो इन आर ऑल द प्रीवियस वीडियोस हमने यही एग्जाम्पल लिया है, because हमने ये सोचा कि as we are taking the same example so that you people don't get confused. So हम बात करेंगे affirmative sentence के बारे में, and इसका हिंदी sentence है मोहन खाना खाएगा। मोहन is the subject here, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि he के साथ will आता है, तो यहाँ भी हम sentence में will लगाएंगे। मोहन will eat, मतलब खाएगा। क्या खाएगा? Food खाएगा। मोहन will eat food. मोहन is the subject. Will is from rule. Eat is the verb and food is the object. So let's move on to our negative sentence. Negative sentence कहता है मोहन खाना नहीं खाएगा। So आपको negative sentence का rule बता दूँ। Subject plus will or shall plus not plus verb की first form plus object. So यहाँ पे मोहन is a subject. मोहन के साथ will आएगा, will के बाद rule में not आएगा, and then eat which is the verb. And at the end, food which is object. So sentence bana, Mohan will not eat food. So now we have interrogative sentence. Interrogative ka matlab hota hai sawal. Aur interrogative sentence ke end mein hamesha ek bada sa question mark aata hai. Okay, so interrogative sentence hai, kya Mohan khana khayega? Interrogative ka rule ye hota hai ki will shall pehle aa jata hai, uske baad subject aata hai, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड एट द एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी सेंटेंस को हम इसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आएगा विल, देन सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, एंड एट द एंड ऑब्जेक्ट विच इज फूड। सो सेंटेंस बना विल मोहन ईट फूड, एंड एट द एंड अ क्वेश्चन मार्क। सो नाउ वी हैव इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सवाल भी और नेगेटिव ना भी, एंड इसका रूल है विल और शैल plus subject plus not plus verb की first form plus object and at the end a question mark. So इसका हिंदी सेंटेंस बना क्या मोहन खाना नहीं खाएगा, क्या के लिए will, उसके बाद subject मोहन, then not, then verb की first form eat and at the end object which is food. So sentence बना will मोहन not eat food and at the end a question mark. So इसी तरीके से आप इस सेंटेंस को अलग अलग तरीके से मोड भी कर सकते हैं। मोहन की जगह पे सोहन नाम भी ले सकते हैं, एंड मोहन की जगह पे एक गर्ल का नाम भी ले सकते हैं, लेट इट बी सानिया, या फिर आप दे वर्ड यूज कर सकते हैं, वी यूज कर सकते हैं, यू यूज कर सकते हैं, एनी ऑफ द वर्ड। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको विल और शैल का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, एंड वो सेंटेंस का टाइप कैसा है, क्या वो नेगेटिव सेंटेंस है, क्या वो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, मतलब कि इंटरोगेटिव, या फिर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। So this is all about the future indefinite tense. I hope आपको ये सब कुछ समझ आ गया। And for more videos like this, quickly subscribe this channel and press the notification button. जैसे कि आपको वीडियो की शुरुआत में बोला गया, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। And do like this video. And if you want any of the video to be made by me, so quickly comment in the comment section कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए बनाऊं, and to make the things easy for you. Comment and share this video with everyone. Thank you very much and bye-bye.